सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो आज की वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक है। जी हां दोस्तों, बिकॉज मेरे से कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर मोस्टली यही पूछा जा रहा है कि GMVN की बुकिंग हम कैसे करें, GMVN की साइट ओपन नहीं हो रही है, GMVN की साइट कब ओपन होगी, आप हमारी GMVN की बुकिंग कर दो। तो ये सभी डाउट्स आपके आज इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आपको केदारनाथ में स्टे तो करना ही पड़ेगा। अब आप होटल में करो, कैंप में करो या फिर गवर्नमेंट के स्टे GMVN में करो। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके पास केदारनाथ में GMVN एकोमोडेशन के कितने ऑप्शन अवेलेबल है और किसका कितना रेट है, कितना प्राइस है, ऑन सीजन ऑफ सीजन। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और ऐसे ही इन फ्यूचर भी हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताने वाला हूं कि अगर आप GMVN की बुकिंग नहीं कर पाते और मोस्टली केसेस में वो बुकिंग नहीं हो पाती है, तो आपके पास इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है, आप उसको बुक कैसे करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। चलो करते हैं फिर आज की वीडियो स्टार्ट। तो फर्स्टली बात करते हैं कि आपके पास केदारनाथ टेम्पल के पास GMVN के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो यू हैव अ फोर ऑप्शन अवेलेबल नियर केदारनाथ टेम्पल। फर्स्ट इज स्वर्ग रोहिणी कॉटेज, सेकंड इज नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, थर्ड वन इज केदार डॉम कॉटेज एंड लास्ट वन इज रुद्रा मेडिटेशन केव। ये वही केव है जिसमें हमारे PM मोदी जी ने मेडिटेशन किया था। तो ऐसी तीन केव्स है वहाँ, बट प्रीवियस ईयर एक ही ओपन की थी। तो ये ऑप्शन भी आपको शो होता है केदारनाथ GMVN की साइट पर, ठीक है। तो ये है चार ऑप्शन GMVN के। अब सेपरेटली मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ इनको विद रेट्स एंड कंप्लीट डिटेल्स। सो फर्स्ट इज स्वर्ग रोहिणी कॉटेज। ये केदारनाथ टेम्पल के सबसे पास के GMVN स्टेज ऑप्शंस में से एक है। इसमें आपको स्टे के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट फैमिली रूम, जिसके अंदर 4 बेड लगे होते हैं। ये कुछ हट टाइप का होता है जिसके अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम भी होते हैं, रूम हीटर गीजर और सभी तरह की फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगर हम इस फैमिली रूम के प्राइस की बात करें इन ऑन सीजन अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू नवंबर, तो अप्रॉक्स 6,200 रुपीज़ इंक्लूड GST। और वहीं अगर हम बात करें ऑफ सीजन की जुलाई एंड अगस्त, तो 5,600 रुपीज़ इंक्लूड GST। और ये रेट्स प्रीवियस ईयर के हैं। इस साल मुझको लगता है ये रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ सकते हैं। बट सबसे मेन बात, इस स्वर्ग रोहिणी कॉटेज में बुकिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती। जैसे ही GMVN की साइट पर बुकिंग स्टार्ट होगी उसके एक दो दिन बाद ही मुझको लगता है इस साल बुकिंग स्लॉट फुल हो जाएंगे। बुकिंग कब स्टार्ट होगी और कब फुल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बट बुकिंग स्टार्ट कब होगी, क्या है वो डेट, तो पहले आप पूरी वीडियो देख लो, सभी डिटेल ले लो केदारनाथ GMVN की, तभी तो आप बुकिंग कर पाओगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस स्वर्ग रोहिणी कॉटेज में सेकंड ऑप्शन आता है डोरमेट्री का। इसमें भी एक काफी बड़ा हट होता है, उसमें 8 बेड लगे होते हैं। जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हो ऐसे ही बहुत सारे हट्स वहां पर होते हैं जिसमें 8-8 बेड लगे होते हैं। इसमें भी अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है। इसका प्राइस है इन ऑन सीजन 1120 रुपीज, 1120 रुपए इंक्लूड GST एंड ऑफ सीजन जुलाई एंड अगस्त में 1008 रुपीज, 1008 रुपए इंक्लूड GST। और दोस्तों मैं जो आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, ये प्राइस प्रीवियस ईयर के हैं, इस साल के नहीं हैं। जब तक केदारनाथ धाम की SOP जारी नहीं होती, डिक्लेयर नहीं होती, तब तक प्राइस इस साल के कंफर्म नहीं किए जाएंगे। और इसका भी वही है, बुकिंग स्टार्ट स्लॉट फुल, क्योंकि स्वर्ग रोहिणी ही केदारनाथ टेम्पल के सबसे पास का ऑप्शन है GMVN। नाउ नेक्स्ट इज नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप। ये केदारनाथ टेम्पल से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। पहले यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं स्टे के लिए। फर्स्ट इज हट बंक बेडेड डोम एंड सेकंड ग्राउंड बेडेड टेंट। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन डोम की, तो ये डोरमेट्री होती है, ये काफी बड़ा हट होता है, उसमें 10 बेड लगे होते हैं एक साथ विद अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम। इसके प्राइस है 896 रुपीज इंक्लूड GST इन ऑल सीजन। नाउ सेकंड ऑप्शन ग्राउंड बेडेड टेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक काफी बड़ा सा टेंट होता है और उसमें नीचे गद्दे स्लीपिंग बैग या फिर रजाई लगी होती है। इसमें आपको एक साथ 6 to 10 persons को एक साथ सोना पड़ता है।
है। इसका प्राइस है 560 रुपीस इंक्लूड जीएसटी इन ऑल सीजन। पहले इसका प्राइस 400 था और इस साल 2023 में 560 रुपीस से भी इंक्रीज होने वाला है, ज्यादा हो सकता है। बट ये मैं मेल्स को ही प्रीफर करूंगा स्टे के लिए। जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो सब डोरमेट्री में ही स्टे करें, वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा, अगर आपसे आपकी डेट ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग जीएमवीएन में बुकिंग नहीं होती और अगर आपको रहना ही सिर्फ जीएमवीएन में है, रूम या फिर डोरमेट्री आपको नहीं मिल पाती, क्या पता आपको वहां जाकर भी डोरमेट्री मिल जाए, रूम मिल जाए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, केदार डॉम कॉटेज। ये केदारनाथ मंदिर से थोड़ा ही डिस्टेंस पर है। इसकी लोकेशन नियर हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर से उतरो और ये आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको सिर्फ डोरमेट्री ही अवेलेबल होगी, ये ज्यादा बड़े एरिया में नहीं है। इसका रेट है 672 रुपीस इंक्लूड जीएसटी इन ऑल सीजन। एंड लास्ट पॉइंट इज रुद्रा मेडिटेशन केव। यहाँ आप तभी जाना जब आपको केदार वैली को शांति से फील करना हो, मेडिटेशन करना हो। इसके रेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑन सीजन 3000 रुपीस इंक्लूड जीएसटी एंड ऑफ सीजन जुलाई एंड अगस्त में 2700 रुपीस इंक्लूड जीएसटी। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं फॉर स्टे नियर केदारनाथ टेम्पल। नाउ अब बात कर लेते हैं इस साल 2023 में जीएमवीएन की साइट पर बुकिंग कब स्टार्ट हो। तो दोस्तों जब तक चारों ही धामों के कपाट ओपनिंग डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती, तब तक जीएमवीएन की साइट पर बुकिंग आप नहीं कर सकते हो। चारों धामों में से तीन धामों की कपाट ओपनिंग डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन केदारनाथ धाम की कपाट ओपनिंग डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। उसकी डेट 18 फरवरी को महाशिवरात्रि वाले दिन डिक्लेयर हो जाएगी। तो हो सकता है उसी दिन या फिर उसके एक दो दिन बाद जीएमवीएन की साइट पर बुकिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो आप 18 फरवरी तक वेट करें, उसके बाद ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे ही डेट डिक्लेयर होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा विद बुकिंग प्रोसेस, तो आप थोड़ा सा वेट करें। ये डाउट बहुत सारे लोगों का था, मुझको लगता है अब शॉर्ट आउट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नाउ इस बात को आप ध्यान से सुनना, अगर आपकी जीएमवीएन के कॉटेज में बुकिंग नहीं होती तो आपके आसपास जो होटल्स हैं, टेंट्स हैं, वहां पता कर सकते हो। बट वहां आप प्री बुकिंग करके ही जाओ तो ठीक रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप क्राउडेड मंथ्स में जाते हो तो आप भूल जाओ कि आपको वहां जाकर कोई रूम मिल जाएगा, और फिर मिलेंगे भी तो काफी ज्यादा रेट्स वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की मई मंथ की, तो वहाँ 10,000 से भी ज्यादा होटल वालों ने चार्ज किया था फॉर सिंगल रूम। तो कपाट खुलने के टाइम पर जो एकोमोडेशन के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं और लोगों को तो वहाँ पर स्टे करना पड़ता है, तो वो 10,000 भी पे कर देते हैं और इसीलिए वहाँ पर बुकिंग फुल हो जाती है। सो दोस्तों इन केस आपको केदारनाथ मंदिर के नियर बाय एकोमोडेशन में स्टे करने में, रुकने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर होटल बुकिंग नियर केदारनाथ टेम्पल, जीएमवीएन बुकिंग, या फिर आपको सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में, या गुप्त काशी, सिरसी, फाटा में, या फिर कहीं भी केदारनाथ मंदिर के आसपास, या फिर चारों धामों में से किसी भी धाम में आपको एकोमोडेशन में, रुकने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप हमसे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा, या फिर चार धाम यात्रा पैकेज, केदारनाथ यात्रा पैकेज से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, चार धाम यात्रा पास, रजिस्ट्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आए, रजिस्ट्रेशन करना हो, आप हमसे बेफिकर होके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बिकॉज मोस्टली लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो आप बेफिकर होके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सो आई होप गाइज आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक करना, और ऐसे ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर भी आप देखना चाहते हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।